दोस्तों 2019 के अंदर आपको एक ब्रांड न्यू लॉबी देखने को मिलने वाले। इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर होगा जिस पे क्लिक करते ही भाई आप एक अलग ही दुनिया में पहुंचने वाले हो। इसके अंदर भाई आपको एक ऐसा मोड देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप भाई एक छोटे से कीड़े बन जाओगे। और बस यही नहीं, 2019 के अंदर आपको भाई क्रिएट्स के अंदर वापस आपकी फेवरेट बियर्ड देखने को मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, दाढ़ी देखने को मिलने वाली है, इसको आप वापस से ले सकते हो। भाई यहाँ पे 2019 के अंदर बहुत सारे यार कमाल के अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाले। भाई यहाँ पे फाइनली 1.4 अपडेट के भाई यहाँ पे पैच नोट्स आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर आपको सारे मेन हाईलाइट्स, मतलब जो भी मेन अपडेट्स होने वाला है, फीचर्स होने वाला, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यार यहाँ पे चलते हैं बराबर से 2019 के भाई 1.4 के पैच नोट्स की ओर। तो भाई यहाँ पे देखते हो 2019 के यहाँ पे पैच नोट्स आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो मेन हाइलाइट्स है, तो भाई यहाँ पे टाइटन स्ट्राइक्स, मतलब कि जॉइन इन द बैटल ग्राउंड्स ऑफ द टाइटन्स। तो भाई यहाँ पे एरेंगल के अंदर आपको पता है कि गॉडज़िला और किंग कॉन्ग का भाई एक ब्रांड न्यू मोड देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर भाई यार काफ़ी प्रकार के क्रिएचर्स होंगे। मतलब भाई यहाँ पे कहीं तो छिपकली, कहीं तो कॉकरोच, मतलब यार क्या क्या, मतलब मकड़िया। और भाई उनको मारोगे तो भाई आपको लूट देखने को मिलने वाले, और जो भाई गॉडज़िला होगा वो खुद भी उनको मारेगा तो भी आपको लूट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भाई इस वीडियो के अंदर आप देख ही सकते हो। तो भाई ये मोड तो आपको पता ही होगा यार, काफ़ी लोगों ने मतलब इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो भाई यहाँ पे एक टाइटन स्ट्राइक्स ये वाला मोड होने वाला है, जिसके अंदर भाई टाइटन्स अटैक करेंगे। आगे आपको मैं एक इमेज भी दिखा दूंगा इसी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हाईलाइट है भाई माइक्रोकॉस्म एक्सपीरियंस, तो भाई मतलब यार छोटा बनने वाला। तो भाई यहाँ पे आपको एक ऐसा मोड देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर आप एक इंसेक्ट बन जाओगे और इंसेक्ट बन के भाई यहाँ पे उड़ पाओगे। तो ये एक ऐसा मोड होने वाला है पबजल के अंदर जो कि भाई आपको कीड़ा बना देगा। तो भाई यहाँ पे इसका नाम है माइक्रोकॉस्म। इसके अलावा यहाँ पे एक ओटीएस मोड भी लिखा है, तो मतलब यहाँ पे लर्न द आर्ट ऑफ शार्प शूटिंग। तो मतलब भाई यहाँ पे आपको एक एम वाला फीचर देखने को मिलेगा जो कि यार मतलब ज्यादा अभी जो है जरूरी है नहीं, आपको आगे पता चल जाएगा जब ये आता है। और उसके भाई आगे जो है रॉयल पास 2019 का इसका नाम भाई यहाँ पे ट्रैवर्स रखा गया है, तो फैंटास्टिक एडवेंचरस ऑफ द लिटिल गाइस। तो भाई यहाँ पे इसके आगे हम बात करें तो भाई यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है कि भाई अपडेट कितने MB का होगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो तो इसके लिए आपके फोन के अंदर 660 MB की स्पेस होना जरूरी है। अभी कहीं जो अपडेट है 1.4 का ही आपको 11 मई को देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉयड के अंदर 660 MB की जगह रुकेगा। तो भाई आपको 1-2 GB तो खाली रखना ही है जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना फेस करनी पड़े। और अगर आप iOS यूज़र हो, आईफोन यूज़ करते हो, तो 1.67 GB की स्पेस आपको खाली रखनी पड़ेगी मिनिमम। तो ये जो है कुछ न्यू जानने को मिला कि भाई यहाँ पे कितनी अपडेट की स्पेस मतलब ये खाएगा। तो यार इतनी तो नॉर्मली सभी की होती है। उसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे टाइम रहता है, अगर आप इसको अपडेट करते हो मतलब कि 11 मई से 16 मई के अंदर, तो आपको छोटे मोटे रिवॉर्ड मिल जाएगा भाई, कुछ BP कॉइन और भाई यहाँ पे एक बनाना बोजांजा भाई 3 दे की एक कुछ भी चीज़ होगी जो कि आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो न्यू मोड है वो किस किस डेट को आएंगे उसकी अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे टाइटन स्ट्राइक्स जो कि मैंने बात की, भाई यहाँ पे गॉडज़िला और किंग कॉन्ग का भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मोड है, यहाँ पे ये मोड आपको देखने को मिलने वाला भाई 11 मई को। जैसे आप अपडेट करोगे तो ये मोड आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे सैनोक के अंदर कॉन्ग मोड देखने को मिलने वाला है जो कि भाई यहाँ पे ये 15 मई को आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिविक के अंदर भी जो न्यू चीज़ें देखने को मिलने वाली वो आपको 20 मई को देखने को मिलेगी। तो ये जो तीनों मैंने चीज़ें आपको बता दी कि भाई 11 मई, 15 मई और 20 मई ऐसा कर करके आपको देखने को मिलने वाली, और इवेंट एंड्स ऑन 8 जून, तो इवेंट्स जो 8 जून को ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा भाई आगे अगर हम बढ़े तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी तो वो भाई यहाँ पे ओके। तो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने जो बताया इमेज की बात की भाई टाइटन स्ट्राइक्स, तो देख लो यार गॉडज़िला मतलब कैसे यहाँ पे फायर कर रहा है, तो इसकी इमेज में आप देख ही सकते हो गॉडज़िला और कॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओके चलो चलते हैं नीचे, और जो मेन हाईलाइट्स है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। तो भाई यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं और टाइटन लास्ट स्टैंड, तो भाई यहाँ पे 15 मई ओके 25 मई से लेकर 8 जून तक ये जो आपको लास्ट स्टैंड देखने को मिलने वाली एक प्रकार से लॉबी या फिर फीचर आप कह सकते हो, तो न्यू UI के अंदर आपको एक पीछे चॉपर बोले तो यार एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही भाई यहाँ पे आप एक अलग ही मोड में पहुँच जाओगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होने वाला है जैसे मेट्रो रॉयल है। अभी इस मेट्रो रॉयल रोड के अंदर आपको पता है पीछे जो एक गुफा हुआ करती थी, तो उसके ऊपर क्लिक करते ही आप मेट्रो रॉयल मोड में पहुंच जाते। तो सेम टू सेम भाई यहाँ पे अलग मोड होगा जो कि 25 मई से आपको स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अंदर हेलीकॉप्टर पर क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। और यहाँ पे लिखा भी है ओके टैप ऑन द हेलीकॉप्टर टू एंटर एंड स्टार्ट प्लेइंग टाइटन लास्ट स्टैंड। तो भाई टाइटन लास्ट स्टैंड इसका नाम होने वाला है जैसा मेट्रो रॉयल था, और उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं रिवॉर्ड के साथ में,
जो कि भाई यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो माइक्रोकॉस्म है वो 9 जून से 5 जून तक, मतलब 5 जुलाई तक रहने वाला है, और ट्रांसफॉर्म इनटू मिनी इंसेक्टॉइड, स्टे आउट ऑफ साइट। तो भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि भाई छोटा सा इंसेक्ट बन जाएगा, इसका टाइम पीरियड 9 से लेकर 5 जुलाई तक रहने वाला है। और ये माइक्रोकॉस्म वर्ल्ड यार बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यार, आप ज़रूर से इसको खेलेगा और कमेंट में बताएगा कैसा इसका एक्सपीरियंस आपका रहता है। और हाउ टू प्ले, तो भाई यहाँ पे इस पैच नोट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बिना वीपीएन के ये ओपन होगा नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको अपनी वेबसाइट पे डाल के आपको दे दूँ, जिससे कि आप जो है सारा कुछ रीड कर पाओ। ओके, तो आप भी यहाँ पे आकर रीड कर लेना अगर आप रीड करना चाहते हो। इंग्लिश में सारा कुछ है, अगर आपको शौक है यार जरूर से पढ़ सकते हो। और लैब फैसिलिटीज़ और भाई क्या क्या न्यू चीज़ें भाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। न्यू एरिना मैप द हैंगर, तो भाई यहाँ पे ये जो आपको 1 जून से देखने को मिलेगा, जो कि आपको TDM, एरिना और गन गेम तीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार ये भी एक न्यू बढ़िया मोड होने वाला है। अब अगर इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, भी आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भाई यहाँ पे नीचे और भाई अदर मैप इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो भाई आफ्टर द अपडेट मेट्रो रॉयल एंड पावर आर्मर मोड्स विल बी टेकन ऑफलाइन। और भाई यहाँ पे जो आपको पता है मेट्रो रॉयल मोड था, पावर आर्मर मोड था, उनको हटा दिया जाएगा इसके बाद से। और उसके बाद भाई अगर हम बात करें आगे तो कॉप आरबी, तो भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स कार का पूरा ही झमेला रहने वाला है, जिसके बारे में भाई यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख ही सकते हो। मतलब यार काफ़ी अलग सा सीन रहने वाला भाई यहाँ पे, मतलब रेसिंग का पूरा मतलब झमेला समझ लो। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे अभी के लिए आप देख सकते हो भाई 150 किलोमीटर की स्पीड पर यह गाड़ी भागेंगी, और मतलब पूरा रेस वगैरह लगा सकते हो भाई। बैटल रॉयल मोड है अलग से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये कॉप आरबी इन एरेंगल मिरामार सैनोक एंड लिविक, तो ये जो मैंने मैप के नाम बताया इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू शूटिंग मोड्स OTS, जो कि मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे एम का फीचर है पूरा। दोस्तों सीजन 19 का रॉयल पास आपको 17 मई सुबह 7:30 बजे को देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको 100 RP पे 2 मिथिक आउटफिट देखने को मिलने वाला है। एक होने वाला है जनरल बीटल सेट, और सेकंड होगा भाई यहाँ पे इंसेक्ट क्वीन सेट। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। वंडरलैंड AKM भी देखने को मिलने वाली है, और भाई इसके अंदर जो भी सारा कुछ आउटफिट और चीज़ें होंगी वो 30,000 UC का वर्थ करता है, मतलब भाई 30,000 UC उसकी वैल्यू होने वाली है। और भी उसके अंदर आपको बियर्ड और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, मतलब जो रिडीम सेक्शन होता है तो वहाँ से आप ये सारी कुछ बियर्ड वगैरह चीज़ें होंगी जिसको आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम भाई यहाँ पे बात करें तो भाई यार काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। रॉयल पास आप परचेस करोगे या फिर नहीं करोगे कमेंट में ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें हम इंप्रूवमेंट्स टू चेयर पार्क, तो चेयर पार्क के अंदर भाई यहाँ पे एक जो है ग्राफिटी वॉल देखने को मिलने वाली है आपको, जो कि भाई यहाँ पे ऐड कर दी गई है। उसके अलावा भाई यहाँ पे जो फेरिस व्हील था, मतलब कि भाई यहाँ पे जो झूला था यार गोल गोल, उसको भाई अभी जो है मतलब घूमना शुरू करवा दिया गया। भाई जो जंग लगा था उसको लगता है हटा दिया, तो भाई यहाँ पे वो जो अभी रोटेट करेगा, पहले के मुताबिक यार ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, अभी वो जो घूमता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, ये सारे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं हमारी इस 1.4 के अपडेट के अंदर, जो कि आपको 11 मई को देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे अगर आप PUBG के अंदर UC परचेस करना चाहते हो ग्लोबल वर्जन के अंदर, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा @thegamexkiller। सिंगल पेमेंट करने के बाद आपको UC आपके अकाउंट में मिल जाएगी, तो यार जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। और भाई यार वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।